हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कूल कंटेंट बॉक्स चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबको 2012 में आम चलन में जारी किया गया 5 रुपये निकल ब्रास श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सिल्वर जुबली स्मारक सिक्का के बारे में सही और सच्ची जानकारी देता हूं। और हमारा व्यूअर्स बहुत दिन से मुझे कमेंट्स पे कमेंट्स रख के ये बात पूछ रहे हैं, हमें से बहुत लोगों के पास माता वैष्णो देवी का 5 रुपये स्मारक सिक्का है, ये सिक्का का वैल्यू एस्टिमेट लाखों में बताया जा रहा है, ये बात सच है या नहीं। और इसमें आया कुछ नमूना खास है, वो क्या क्या है और ये सिक्काओं का वैल्यू एस्टिमेट वर्तमान कितना रहता है, कहाँ तक जाता है, सही और सच्ची जानकारी देता हूँ। वीडियो अंत तक देखिए। हमारा चैनल किससे सिक्का और करेंसी नोट्स खरीदता नहीं, बेचता नहीं। अगर कोई हमारा चैनल नाम पे आपसे किसी माध्यम से भी कॉन्टैक्ट करके आपसे आपका पर्सनल जानकारी या फिर आपका पैसा पूछे तो बिल्कुल मत दीजिएगा, इतना कहने पर देने से आप ही जिम्मेदार है। हमारा चैनल सिर्फ जानकारी देता है कलेक्टर्स को हेल्प करने। दोस्तों, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर मैं आप लोगों को 2 5 रुपये का श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का सिक्का दिखा रहा हूँ। तो स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पड़ा हुआ सिक्का हमको आम चलन में जारी किया गया सिक्का है, जो राइट साइड पड़ा हुआ सिक्का हमको UNC सेट में आया 5 रुपये सिक्का है। दोनों की दोनों 5 रुपये का सिक्का है, पर ये दोनों सेम डिनोमिनेशन होने से भी ये दोनों का वैल्यू एस्टिमेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। और उस वक्त हमको बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से हमको ये सिक्का का UNC और प्रूफ सेट्स हमको इश्यू किया गया, और स्पेशली हैदराबाद मिंट से यही माता वैष्णो देवी का 5 रुपये और 10 रुपये का अलग अलग सिंगल कॉइन UNC सेट्स भी तब हमको जारी किया गया। और ये जो सेट मैं दिखा रहा हूँ, ये सेट स्पेशली माता वैष्णो देवी भक्तजन के लिए बॉम्बे मिंट ने 2 सिक्का मतलब 5 और 10 का दोनों मिला के एक ही सेट में जारी किया गया UNC सेट है, इसलिए थोड़ा खास है। रिवर्स सेट हमको ऐसा नज़र आता है ये सेट, और ये सेट का आउटलाइन लुक देता हूँ मैं। खोलने से हमको आउटर साइड ऐसा नज़र आता है, 10 और 5 दोनों UNC कॉइन्स रहता है। रिवर्स साइड हमको ऐसा नज़र आता है। दोस्तों, ये UNC सेट्स हमको अभी भी एग्जीबिशंस में हम देख सकता है। इसमें 10 रुपये का नहीं 5 रुपये सिक्का का जानकारी देता हूँ स्पेशली इस वीडियो पर। आवर साइड ये UNC सिक्का हमको ऐसा नज़र आता है, अशोक लैंड कैपिटल सच्चे में जयते रुपीज सिंबल 5 न्यूमेरिकल, राइट साइड इंडिया मिंट किया गया, लेफ्ट साइड हमको भारत हिंदी में मिंट किया गया। ये सिक्का हमको निकल ब्रास मेटल में जारी किया गया, 6 ग्राम वजन रहता है, 23 मिलीमीटर डायमीटर्स में हमको ये सिक्का रहता है साइज। रिवर्स साइड हम देखने से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सिल्वर जुबली मिंट किया गया 2012 साल भी, और नीचे हम देखने से डायमंड मिंट मार्क नज़र आ रहा है, बॉम्बे मिंट से जारी किया गया UNC सिक्का ये। और ये UNC सिक्का का वैल्यू एस्टिमेट 5 रुपये सिक्का एक का कह रहा हूँ दोस्तों, अभी ये UNC सिक्का का वैल्यू एस्टिमेट 550 रुपये तक रहता है। अब मैं आप लोगों को सर्कुलेटेड सिक्का दिखा रहा हूँ, ये सर्कुलेटेड सिक्का हमको हैदराबाद मिंट से जारी किया गया सिक्का है। ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का स्मारक 5 रुपये सिक्का हमको हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, ये 3 मिनट से हमको आम चलन में सिक्का जारी हुआ है। हैदराबाद और मुंबई का सिक्का हमको आसानी से मिल जाता है। ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का 5 रुपये सर्कुलेटेड सिक्का हैदराबाद और मुंबई सिक्काओं का वैल्यू एस्टिमेट UNC कंडीशन में 10 से 15 रुपये तक रहता है। अब मैं आप लोगों को बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का मैं दिखा रहा हूँ, और ये सिक्का हमको बहुत ज़्यादा संख्या में जारी करने की वजह से ये सिक्काओं का वैल्यू एस्टिमेट बहुत कम रहता है। नोएडा मिंट का सिक्का हमको इतना जल्दी नज़र नहीं आता, बाकी 2 मिनट से नोएडा मिंट हमको थोड़ा कम नज़र आता है, इसलिए नोएडा मिंट का सिक्का का वैल्यू एस्टिमेट 20 रुपये तक जाता है। दोस्तों, आवर्स भी मैं दिखा रहा हूँ, HB ये सिक्का भी UNC सेट सिक्का जैसा मिल जाया, आवर्स सेट का डाई भी हमको जैसा UNC सेट में था वैसे ही डाई इस्तेमाल किया गया। पर सर्कुलेटेड और UNC सेट में फ़र्क क्या होता है कि UNC सेट हमको जैसा मिंट किया वैसे हाल में हमको रहता है, और फिनिशिंग में भी और मिंटिंग में भी थोड़ा सर्कुलेटेड सिक्का से हाई क्वालिटी फिनिशिंग हाई क्वालिटी मिंटिंग रहता है। प्रूफ सिक्का UNC सिक्का से बेहतर रहता है टोटली।